मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग बेसिक का लेट कमांड के बारे में सीखे थे। लेट कमांड में हम लोग क्या सीखे थे कि लेट कमांड में हम लोग किसी वेरिएबल का वैल्यू असाइन कर सकते हैं और उसके संग हम लोग न्यू, सेव, ऑटो, सीएलएस इत्यादि विभिन्न कमांड्स के बारे में सीखे थे। आज और हम लोग लेट कमांड से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, प्रोग्राम का एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले मानो हम लोग किसी आयत का क्षेत्रफल निकाल कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है कि उसमें दो बाहु रहते हैं, दो टाइप के बाहु रहते हैं, एक लंबाई और एक चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में जो है उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमें दो टाइप की भुजा लेना पड़ेगा, एक लेंथ और एक ब्रेथ। मानो हम लोग जिस आयत का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं उसका लेंथ है, उसका लंबाई है तुम्हारा 80 सेंटीमीटर और चौड़ाई में है वो 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं वो अब देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम लिखना शुरू किए न्यू करके। प्रोग्राम के शुरू में हमेशा न्यू लिखा जाता है, उसके बाद फिर हम लोग लाइन नंबर से प्रोग्राम लिख रहे हैं। 10 लेट एल, मानो लेंथ के लिए हम लोग एल लिए हैं, एल उसकी लंबाई है 80। फिर 20 लेट बी, ब्रेथ के लिए बी लिए हैं, ब्रेथ बी इक्वल टू 50। ठीक है, दो टाइप के भुजा हम लोग ले लिए, लेंथ और ब्रेथ। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने से मेरा आंसर आएगा, तो आयत आएगा उसका क्षेत्रफल आएगा, एरिया। तो हमने लिखे ए इक्वल टू क्या क्या, एल इंटू बी। ठीक है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमें क्या प्रिंट करना है, 40। प्रिंट क्या प्रिंट करना है, आंसर मेरा है ए, तो प्रिंट ए मैंने लिखा और 50 में मैंने कर दिए एंड। तो मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब यदि हम रन करते हैं तो देखो मेरा आंसर आ गया 4000। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग किसी भी वेरिएबल के संग वैल्यू को असाइन कर सकते हैं और असाइन करके फिर उसका हम लोग निकाल सकते हैं, वैल्यू आंसर निकाल सकते हैं। अब एक तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम लोग मानो घंटा को मिनट में चेंज करना चाहते हैं। मानो हम 5 आवर्स यानी इक्वल टू कितना मिनट होता है वो हम लोग निकालना चाहते हैं। सबसे पहले हम न्यू कर दिए। ठीक है, तो नया प्रोग्राम मेरा चालू हो गया। अब हमको क्या लेना है कि लेट 5 आवर्स यानी आवर्स एक तो वेरिएबल हमें लेना है। आवर्स का वैल्यू कितना है, 5 घंटा। तो यानी 5 घंटे का हम लोग चेंज करना चाहते हैं, तो आवर्स का वैल्यू है 5। उसको हमें क्या करना है, हमें पता है कि घंटा को यदि हम लोग मिनट में चेंज करना चाहते हैं तो हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये तो हमेशा फिक्स है, कांस्टेंट है, तो इसके लिए हमें कोई वेरिएबल लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लेट एम मिनट इक्वल टू क्या है, एच इंटू उसका वेरिएबल जो कांस्टेंट है 60। इसके लिए हम वेरिएबल क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये हमेशा फिक्स ही होता है आवर्स को मिनट में चेंज करना। तो ये लिख दिया मैंने। 30 में हमें प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करना एम। अब यहाँ पर चाहे तो हम लोग कुछ माने अगर आंसर में हम लोग को दिखाना चाहते हैं कि क्या हम लोग प्रिंट कर रहे हैं तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं कोलोन के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं के आवर्स इन मिनट्स, 5 आवर्स माने हम लिखे 5 आवर्स इक्वल टू, ये कोलोन मैंने बंद किए। उसके बाद मेरा आंसर क्या है, सेमीकोलन दिए और लिखे एम, फिर मैंने सेमीकोलन दिए और फिर कोलन के अंदर मैंने लिख दिए मिनट्स। ठीक है, और 40 में मैंने एंड कर दिए। तो ये जो 30 नंबर लाइन का मतलब क्या हुआ कि कोलन के सेमी डबल कोट्स के अंदर में जो मैटर है वो सेम टू सेम प्रिंट होगा। तो 5 आवर्स प्रिंट होगा सेम टू सेम, फिर एम का वैल्यू जो है जो निकलेगा ये प्रिंट होगा, उसके बाद मिनट्स। देखो रन करने से कैसे आता है आउटपुट, देखो 5 आवर्स इक्वल टू 300 मिनट्स। तो अगर ये आंसर दिखाएगा तो क्या होगा, देखने में अच्छा लगेगा और समझने में भी ठीक लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग प्रिंट करने के समय में किस विषय के बारे में हम लोग को जो आंसर पूरा डिटेल्स लिखना है उसमें से हम लोग को जो जो टॉपिक है वो हम लोग चाहे तो कोलन के अंदर में कोटेशन के अंदर में लिख सकते हैं। तो ये गया मेरा घंटा को मिनट में चेंज करना। अब मानो हम लोग एक तो पैटर्न डिज़ाइन प्रिंट करना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यू करके चालू किए। आप 10 लेट ए डॉलर इक्वल टू कोटेशन चिन्ह के अंदर मैंने लिखे एक्स,
ठीक है। तो एक्स जो है एक अक्षर है, अल्फ़ाबेट है, इसीलिए जो है अल्फ़ाबेटिकल डेटा हो गया। तो अल्फ़ाबेटिकल वेरिएबल को रखने के लिए कोटेशन चिन्ह का इस्तेमाल होता है और पीछे डॉलर चिन्ह का इस्तेमाल होता है। फिर 20 लेट बी डॉलर इक्वल टू डबल एक्स लिखे, दो टू एक्स लिख दिए। 30 लेट सी डॉलर इक्वल टू तीन एक्स लिखे। 40 प्रिंट, हाँ सॉरी सॉरी, 40 प्रिंट ए डॉलर, 50 प्रिंट बी डॉलर और 60 प्रिंट सी डॉलर। तीनों को प्रिंट कर लिए। अब 70 में मैंने प्रोग्राम को एंड कर रही हूँ। अब देखो रन, देखो कैसे हुआ, एक छोटा सा डिज़ाइन टाइप का प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने कुछ भी कोई भी वेरिएबल को, चाहे अल्फा न्यूमेरिक हो चाहे न्यूमेरिक हो, किसी भी वेरिएबल को जो है हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, माने वैल्यू असाइन करके उसको प्रोग्राम के तौर पर जो है प्रिंट कर सकते हैं। आप मानो मैंने ऐसे एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं कि जिसमें एक कोई गाड़ी, कोई तुम्हारा क्या प्रोग्राम लिखे और एक ठो के 1500 मीटर्स है, इसको हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, 1500 मीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने किए न्यू। अच्छा, यहाँ पर जो है प्रोग्राम के शुरू में हम रेम कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेम कमांड से क्या होता है, हम लोग पढ़े थे कि नॉन एग्जीक्यूटिबल कमांड है, इसे प्रोग्राम से संबंधित विभिन्न तथ्यों को हम लोग दे सकते हैं लेकिन उसका कोई इफेक्ट आउटपुट में नहीं आता है। तो रेम में हम लोग क्या लिखना चाहते हैं कि रेम में हम लोग लिखना चाहते हैं कि प्रोग्राम में हम लोग क्या, किस विषय के बारे में ये प्रोग्राम है। तो दिस प्रोग्राम इज कन्वर्टिंग मीटर्स इनटू किलोमीटर। तो ये देखने से क्या है, कोई भी प्रोग्राम को चालू करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि प्रोग्राम किस विषय के बारे में है। ठीक है, मैंने लाइन नंबर देना भूल गए थे, इसीलिए जो है रेम। अब जो है 20 लेट मीटर को किलोमीटर में फॉर्मेट कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मीटर m इक्वल टू वन नाम लिखे, मेरा वैल्यू कितना है 1500 को हम चेंज करना चाहते हैं। 30 लेट, अब क्या करना है, इसको किलोमीटर में लाना है। तो km इक्वल टू, किलोमीटर में लाने के तरीका क्या होता है कि मीटर को 1000 से जो है डिवाइड करना पड़ता है 1000 से, तो m डिवाइडेड बाई 1000 कर दिए। 40 प्रिंट, अब यहाँ पर हम लोग चाहे तो वही जैसे हम लोग पिछले प्रोग्राम में किए थे कि उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि इस विषय के बारे में आंसर जो है पूरा इन्फॉर्मेटिव हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं कि 1500 मीटर्स इक्वल टू, कोटेशन मैंने बंद कर दिए, सेमी कोलन दिए, क्या आंसर आ रहा है मेरा किलोमीटर, और फिर सेमी कोलन दिए और फिर कोटेशन के अंदर में मैंने लिखे KM। ठीक है, आप 50 कर दिए और एंड कर दिए। अब देखो रन कर रही हूँ, सॉरी अब मैं रन कर रही हूँ, तो रन करने से क्या आ गया, 1500 मीटर सेकल टू 1.5 km। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से जो है हम लोग प्रोग्राम में रेम कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका देखो आउटपुट में कोई आंसर आउट लेकिन कोई इफेक्ट नहीं है, रन करने के बाद कोई इफेक्ट नहीं है, रन करने के बाद प्रिंट कमांड स्केशन जो है उसी का केवल इफेक्ट आया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो लेट कमांड से आप लोग प्रैक्टिस करो, और भी प्रोग्राम्स का हम लोग बाद में करेंगे।